और एक और बड़ी खबर है, पीओके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बड़ा आरोप लगा है। पीओके एक्टिविस्ट अहमद अयूब मिर्जा ने दावा किया है कि पीओके में एलओसी से सटे गांव में सैकड़ों लोग गायब हो गए हैं। एलओसी से सटे गांव में 300 से ज्यादा युवा गायब हैं, ये आरोप लगाया गया है। गायब हुए लोग पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करते थे और आतंकियों को बॉर्डर क्रॉस न कराने पर आईएसआई ने इन्हें अगवा किया है। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं पीओके में, और आरोप ये है कि पीओके के जो एक्टिविस्ट है अहमद अयूब मिर्जा, उन्होंने दावा किया है कि पीओके में एलओसी से सटे गांव में जो सैकड़ों लोग हैं वो गायब हो गए हैं, और इनमें 300 से ज्यादा जो युवा है ये वो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जबरी तौर पर लापता किए हैं। ये कोई खास जगह नहीं है या एक शहर है जहां से ये मिसिंग है, ये पूरे पीओजे के से मिसिंग है। और ज्यादातर ये वो लोग हैं जो अपने हकूक के लिए तहरीकों में आवाज उठाते हैं और जिनकी तरफ नौजवान नस्ल देखती भी है, उनको एज अ मेंटर, एज अ लीडरशिप रोल में उनको देखती है, तो उन लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। ये वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं और आज़ादी की बात करते हैं। ये पाकिस्तान के साथ जो कलमे के रिश्ते का एक ड्रामेबाजी है उसको नहीं मानते, और ये इसलिए जबरी तौर पर लापता किए गए कि इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तानी फ़ौज की सहूलतकारी करने से इनकार किया। ABP News, आपको रखे आगे।